तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री अध्याय एक। पौलुस की ओर से जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर और हमारी आशा के आधार मसीह यीशु की आज्ञा से मसीह यीशु का प्रेरित है, तीमुथियुस के नाम जो विश्वास में मेरा सच्चा पुत्र है। पिता परमेश्वर और हमारे प्रभु मसीह यीशु से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जैसा मैंने मकी दुनिया को जाते समय तुझे समझाया था कि इफिसुस में रहकर कितनों को आज्ञा दे कि और प्रकार की शिक्षा ना दे और उन ऐसी कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन ना लगाएं जिनसे विवाद होते हैं और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास से संबंध रखता है। वैसे ही फिर भी कहता हूं, आज्ञा का सारांश ये है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। इनको छोड़कर कितने लोग फिरकर बकवाद की ओर भटक गए हैं। वे व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझते भी नहीं। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को व्यवस्था की रीति पर काम में लाए तो वो भली है, ये जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्रों और अशुद्धों, मां बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठों और झूठी शपथ खाने वालों और इनको छोड़ खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीही यीशु में है बहुतायत से हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीही यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं। मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीही अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए मैं एक आदर्श बनूं। अब सनातन राजा अर्थात अविनाशी अनदेखे अद्वैत परमेश्वर का आदर और महिमा युगानुयुग होती रहे, आमीन। हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्य द्वाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई लड़ता रहे और तू विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। उन्हीं में से हुमिनयुस और सिकंदर हैं जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया कि वे निंदा करना ना सीखें। अध्याय दो। अब मैं सबसे पहले ये आदेश देता हूं कि विनती और प्रार्थना और निवेदन और धन्यवाद सब मनुष्यों के लिए किए जाएं, राजाओं और सब ऊंचे पद वालों के निमित्त, इसलिए कि हम विश्राम और चैन के साथ सारी भक्ति और गंभीरता से जीवन बिताएं। ये हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। वो ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, क्योंकि परमेश्वर
एक ही है और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीही यीशु जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया ताकि उसकी गवाही ठीक समयों पर दी जाए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। सो मैं चाहता हूँ कि हर जगह पुरुष बिना क्रोध और विवाद के पवित्र हाथों को उठाकर प्रार्थना किया करें, वैसे ही स्त्रियां भी संकोच और संयम के साथ सुहावने वस्त्रों से अपने आप को संवारें, न के बाल गूंथने और सोने और मोतियों और बहुमोल कपड़ों से, पर भले कामों से, क्योंकि परमेश्वर की भक्ति ग्रहण करने वाली स्त्रियों को यही उचित भी है। स्त्री को चुपचाप पूरी आधीनता से सीखना चाहिए। मैं कहता हूं कि स्त्री ना उपदेश करे और ना पुरुष पर आज्ञा चलाए, परंतु चुपचाप रहे, क्योंकि आदम पहले उसके बाद हव्वा बनाई गई। आदम बहकाया ना गया, पर स्त्री बहकाने में आकर अपराधिनी हुई, तो भी बच्चे जनने के द्वारा उद्धार पाएगी, यदि वे संयम सहित विश्वास प्रेम और पवित्रता में स्थिर रहें। अध्याय 3। ये बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है तो वो भले काम की इच्छा करता है। सो चाहिए कि अध्यक्ष निर्दोष और एक ही पत्नी का पति, संयमी, सुशील, सभ्य, पहुनाई करने वाला और सिखाने में निपुण हो, पियक्कड़ या मारपीट करने वाला ना हो, वरन कोमल हो और ना झगड़ालू और ना लोभी हो, अपने घर का अच्छा प्रबंध करता हो और लड़के बालों की सारी गंभीरता से अधीन रखता हो। जब कोई अपने घर ही का प्रबंध करना ना जानता हो तो परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली क्यों कर करेगा। फिर ये कि नया चेला ना हो, ऐसा ना हो कि अभिमान करके शैतान का सा दंड पाए और बाहर वालों में भी उसका सुनाम हो, ऐसा ना हो कि निंदित होकर शैतान के फंदे में फंस जाए। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दो रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी ना हो, पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें और ये भी पहले परखे जाएं। यदि वे निर्दोष निकले तो सेवक का काम करें। इसी प्रकार से स्त्रियों को भी गंभीर होना चाहिए, दोष लगाने वाली ना हो, पर सचेत और सब बातों में विश्वास योग्य हो। सेवक एक ही पत्नी के पति हो और लड़के बालों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हो, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से कर सकते हैं वे अपने लिए अच्छा पद और उस विश्वास में जो मसीही यीशु पर है बड़ा हिया प्राप्त करते हैं। मैं तेरे पास जल्द आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वो जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्ग दूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। अध्याय 4। परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि
कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। ये उन झूठे मनुष्यों के कपट के कारण होगा जिनका विवेक मानो जलते हुए लोहे से दागा गया हो, जो ब्याह करने से रोकेंगे और भोजन की कुछ वस्तुओं से परे रहने की आज्ञा देंगे, जिन्हें परमेश्वर ने इसलिए सृजा कि विश्वासी और सत्य के पहचानने वाले उन्हें धन्यवाद के साथ खाएं, क्योंकि परमेश्वर की सृजी हुई हर एक वस्तु अच्छी है और कोई वस्तु अस्वीकार करने योग्य नहीं, पर ये कि धन्यवाद के साथ खाई जाए, क्योंकि परमेश्वर के वचन और प्रार्थना के द्वारा शुद्ध हो जाती है। यदि तू भाइयों को इन बातों की सुधि दिलाता रहेगा तो मसीही यीशु का अच्छा सेवक ठहरेगा और विश्वास और उस अच्छे उपदेश की बातों से जो तू मानता आया है तेरा पालन पोषण होता रहेगा। पर अशुद्ध और बूढ़ियों की सी कहानियों से अलग रहे और भक्ति के लिए अपना साधन कर। देह की साधना से कम लाभ होता है, पर भक्ति सब बातों के लिए लाभदायक है, क्योंकि इस समय के और आने वाले जीवन की भी प्रतिज्ञा इसी के लिए है, और ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। हम परिश्रम और यत्न इसीलिए करते हैं कि हमारी आशा उस जीवते परमेश्वर पर है जो सब मनुष्यों का और निज करके विश्वासियों का उद्धार करता है। इन बातों की आज्ञा कर और सिखाता रहे, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, पर वचन और चार चलन और प्रेम और विश्वास और पवित्रता में विश्वासियों के लिए आदर्श बन जा। जब तक मैं ना आऊं तब तक पढ़ने और उपदेश और सिखाने में लौलीन रहे उस वरदान से जो तुझ में है, और भविष्यद्वाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था। निश्चिंत मत रहे, उन बातों को सोचता रहे और उन्हीं में अपना ध्यान लगाए रहे, ताकि तेरी उन्नति सब पर प्रकट हो। अपनी और अपने उपदेश की चौकसी रख, इन बातों पर स्थिर रहे, क्योंकि यदि ऐसा करता रहेगा तो तू अपने और अपने सुनने वालों के लिए भी उद्धार का कारण होगा। अध्याय 5। किसी बूढ़े को ना डांट, पर उसे पिता जानकर समझा दे, और जवानों को भाई जानकर, बूढ़ी स्त्रियों को माता जानकर, और जवान स्त्रियों को पूरी पवित्रता से बहन जानकर समझा दे। उन विधवाओं का जो सचमुच विधवा हैं आदर कर, और यदि किसी विधवा के लड़के बाले या नाती पोते हों तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता आदि को उनका हक देना सीखें, क्योंकि ये परमेश्वर को भाता है। जो सचमुच विधवा है और उसका कोई नहीं, वो परमेश्वर पर आशा रखती है और रात दिन विनती और प्रार्थना में लौलीन रहती है। पर जो भोग विलास में पड़ गई वो जीते जी मर गई है। इन बातों की भी आज्ञा दिया कर ताकि वे निर्दोष रहे। पर यदि कोई अपनों की और निज करके अपने घराने की चिंता ना करे तो वो विश्वास से मुकर गया है और अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। उसी विधवा का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की ना हो और एक ही पति की पत्नी रही हो और भले काम में सुनाम रही हो, जिसने बच्चों का पालन पोषण किया हो, बाहुनों की सेवा की हो, पवित्र लोगों के पांव धोए हों, दुखियों की सहायता की हो और हर एक भले काम में मन लगाया हो। पर जवान विधवाओं के नाम ना लिखना, क्योंकि जब वे
मसीही का विरोध करके सुख विलास में पड़ जाती हैं तो ब्याह करना चाहती और दोषी ठहरती हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पहले विश्वास को छोड़ दिया है। और इसके साथ ही साथ वे घर घर फिर कर आलसी होना सीखती हैं, और केवल आलसी नहीं पर बक बक करती रहती और औरों के काम में हाथ भी डालती हैं और अनुचित बातें बोलती हैं। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जवान विधवाएं ब्याह करें और बच्चे चले और घर बार संभालें और किसी विरोधी को बदनाम करने का अवसर ना दें, क्योंकि कई एक तो बहककर शैतान के पीछे हो चुकी हैं। यदि किसी विश्वासिनी के यहाँ विधवाएं हों तो वही उनकी सहायता करे कि कलीसिया पर भार ना हो, ताकि वो उनकी सहायता कर सकें जो सचमुच विधवाएं हैं, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वो जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, दो गुने आदर के योग्य समझे जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह न बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए तो बिना दो या तीन गवाहों के उसको ना सुन, पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे, ताकि और लोग भी डरें। परमेश्वर और मसीही यीशु और चुने हुए स्वर्ग दूतों को उपस्थित जानकर मैं तुझे चेतावनी देता हूं कि तू मन खोल कर इन बातों को माना कर और कोई काम पक्षपात से ना कर, किसी पर शीघ्र हाथ ना रखना और दूसरों के पापों में भागी ना होना। अपने आप को पवित्र बनाए रख, भविष्य में केवल जल ही का पीने वाला ना रहे, पर अपने पेट के और अपने बार बार बीमार होने के कारण थोड़ा थोड़ा दाखरस भी काम में लाया कर। कितने मनुष्यों के पाप प्रकट हो जाते हैं और न्याय के लिए पहले से पहुंच जाते हैं, पर कितनों के पीछे से आते हैं, वैसे ही कितने भले काम भी प्रकट होते हैं, और जो ऐसे नहीं होते वे भी छिप नहीं सकते। अध्याय 6। जितने दास जुए के नीचे हैं वे अपने अपने स्वामी को बड़े आदर के योग्य जाने, ताकि परमेश्वर के नाम और उपदेश की निंदा ना, और जिनके स्वामी विश्वासी हैं इन्हें वे भाई होने के कारण तुच्छ ना जाने, वरन उनकी ओर भी सेवा करें, क्योंकि इससे लाभ उठाने वाले विश्वासी और प्रेमी हैं। इन बातों का उपदेश किया कर और समझाता रहे। यदि कोई और ही प्रकार का उपदेश देता है और खरी बातों को अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह की बातों को और उस उपदेश को नहीं मानता जो भक्ति के अनुसार है, तो वो अभिमानी हो गया और कुछ नहीं जानता, वरन उसे विवाद और शब्दों पर तर्क करने का रोग है, जिनसे डाह और झगड़े और निंदा की बातें और बुरे बुरे संदेह और उन मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य से विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई का द्वार है, पर संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है, क्योंकि ना हम जगत में कुछ लाए हैं और ना कुछ ले जा सकते हैं, और यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे और बहुतेरे व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बिगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है, क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म भक्ति विश्वास प्रेम धीरज और नम्रता का पीछा कर, विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़
और उस अनंत जीवन को धर ले जिसके लिए तू बुलाया गया और बहुत गवाहों के सामने अच्छा अंगीकार किया था। मैं तुझे परमेश्वर को जो सबको जीवित रखता है और मसीह यीशु को गवाह करके जिसने पुंतियुस पिलातुस के सामने अच्छा अंगीकार किया, यह आज्ञा देता हूं कि तू हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने तक इस आज्ञा को निष्कलंक और निर्दोष रख, जिसे वो ठीक समयों में दिखाएगा। जो परम धन्य और अद्वैत अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और अमरता केवल उसी की है। वो अगम्य ज्योति में रहता है, ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा। आमीन। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हों और चंचल धन पर आशा ना रखें, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, वे भलाई करें और भले कामों में धनी बने और उधार और सहायता देने में तत्पर हों। वे आगे के लिए एक अच्छी नेव डाल रखें कि सत्य जीवन को वश में कर ले। हे तीमुथियुस, इस थाती की रखवाली कर, और जिस ज्ञान को ज्ञान कहना ही भूल है उसके अशुद्ध बकवाद और विरोध की बातों से परे रहे। कितने इस ज्ञान का अंगीकार करके विश्वास से भटक गए हैं। तुम पर अनुग्रह होता रहे।